चटपटी और मज़ेदार सी कलेजी बनाने के लिए मैंने आधा किलो कलेजी ली है। इसको इस तरह देखें छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। दो लहसुन के मैंने जवे लिए हैं, इसको मैं मोटा मोटा सा कुचल लूँगी। ये देखेंगे मैंने उसको इस तरह कर लिया है। मैं अपनी कलेजी में डाल दूँगी लहसुन। कलेजी मैंने पहले अच्छे से वॉश कर ली थी ताकि इसमें सारा ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाए। अब ये मैं लहसुन और एक टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ, इसलिए ताकि जो हमारी कलेजी में जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाए और हम सब मज़े से कलेजी को एंजॉय कर सकें। इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इसको मैं दोबारा अच्छे से वॉश करूँगी। इसमें हम मसाला लगाएंगे। वेट करते हैं आधे घंटे तक। आधा घंटा हो गया था, मैंने कलेजी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले एक टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। दही लेंगे हम आधा कप। हल्दी लिए मैंने हाफ टी स्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप हसबे जायका ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून भर के चाट मसाला लूँगी। हाफ टी स्पून में कुटी हुई मिर्चें लूँगी। ये सब चीज़ें आप अपने कलेजी के हिसाब से और टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। पिसा गरम मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून और पिसी काली मिर्च लिए मैंने 1/2 टीस्पून। सारे मसाले जो हैं आप नमक और जितने मैंने मसाले डाले हैं ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के हिसाब से आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा कलेजी होगी। ईद पर आधा किलो कलेजी तो जाहिर सी बात है किसी घर में नहीं बनती है, तो लेकिन मैं एक बेसिक मैंने वो दिया है कि अगर किसी को कम बनानी है तो इस तरह कर ले, ज़्यादा बनानी है तो वो फिर बढ़ा ले, क्वांटिटी डबल कर ले। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनेगी, भुनी भुनी है ये। अब मैं इस कलेजी को इसी मसाले में रहने दूंगी 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर हम इसको कुक करेंगे। 1 घंटा हो गया है, चलिए आइए अब कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। कलेजी बनाने के लिए सबसे पहले आधा कप ऑयल ले लेंगे। तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने कलेजी में मसाला लगाया था वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ढक के कलेजी गलने तक पकाएंगे। अपनी कलेजी देखते हैं, ज़बरदस्त सी कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको और जायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दूंगी बारीक कटी हुई। 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे। फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे, अच्छे से इसको भूनेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। मज़ेदार और चटपटी कलेजी बनती है, इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा मैं शुरू में एक बात मेंशन करना भूल गई थी, मैं बता दूँ ये मैंने कलेजी बीफ के लिए है। हरी मिर्चों की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें आना शुरू हो गई है। 2 मिनट भी हो गए हैं हमारे कंप्लीट। फ्लेम दम वाला कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, अल्मीनियम फॉइल लूँगी, इसको सेंटर में रख देंगे। मैंने साथ ही रख दिया था गर्म होने के लिए, पर मैं 1 टीस्पून के करीब ऑयल डाल दूँगी और इसके साथ ही हम ढक्कन लगा देंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कोयले का धुआं अच्छे से इसमें कलेजी में रच बस जाए। हो गए, दोनों चीज़ें इसमें से रिमूव कर लेंगे। मज़ेदार सी बीफ कलेजी हमारी तैयार है, अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। मज़ेदार सी बीफ कलेजी हमारी तैयार है, तो चलिए आइए कलेजी की दूसरी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कलेजी बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो हूँ आधा कप ऑयल ले लूँगी। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। मैंने 2 अनियन ली थी, उनको सब बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल दूंगी इसमें। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारी अनियन ब्राउन नहीं हो जाती, लाइट ब्राउन हमने इसको करना है। हमारी कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये कलेजी डाल दूंगी। आधा किलो के करीब मैंने कलेजी ली थी,
आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं कलेजी, और उसी हिसाब से आप लोग मसाले भी एडजस्ट कर लीजिएगा। कलेजी मैंने आपको इससे पहले वाली रेसिपी में बताई है, बहुत ही मज़ेदार और चटपटी कलेजी है, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार कलेजी है। इसकी रेसिपी थोड़ी चेंज है, हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी लगाएंगे, वो बिल्कुल भुनी हुई थी। और ये बकरे की कलेजी ली है मैंने, वो बीफ की थी। ये देखें जैसे ये फ्राई हो रही है कलेजी, इसके साथ ही मैं इसमें दो मैंने हरी मिर्चें ली थी बारीक कटी हुई, वो डाल दूंगी ताकि हरी मिर्चों की बहुत ही मज़ेदार से खुशबू हमारी कलेजी में आ जाए। दो मिनट हो गए थे, अब इसके साथ ही मैं इसमें दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। लहसुन अदरक मैं थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। अच्छा, कलेजी वॉश करने का और इसकी बदबू निकालने का तरीका मैंने आपको इससे पहले वाली रेसिपी में बताया है, तो वही प्रोसीजर जो है वो आप इस कलेजी में फॉलो करेंगे सेम। साथ ही मैं इसमें दो मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल दूंगी, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अच्छे से एक मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखा हुआ है, बहुत हाई नहीं है और बहुत लो नहीं है। मसाले ऐड करते हैं हम इसमें। एक टेबल स्पून मैंने पिसा धनिया ले लिया था, सूखा पिसा धनिया। हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चें, 1/4 टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। नमक डाल देंगे हसब ज़ायका। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जितनी कलेजी हो उसके हिसाब से आप तमाम मसाले बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पानी नहीं डालूंगी क्योंकि अभी टमाटर भी पानी छोड़ेगा और कलेजी अभी थोड़े भूनने वाले स्टेज पर है, तो मैं अभी इसको ढक के फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे, और इसको भी मैं 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी ताकि हमारी कलेजी अच्छे से भुन जाए और टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाए और तमाम मसाला जो है कलेजी में बहुत अच्छे से रच बस जाए। उसके बाद फिर हम इसमें ग्रेवी लगाएंगे, जो बाकी चीज़ें हमारी हैं वो ऐड जाइए। अपनी कलेजी देखते हैं, देखिए कलेजी हमारी कितने अच्छे से भुन गई है, ऑयल भी ऊपर आ गया है और टमाटर वगैरह सब अच्छे से गल गए हैं। अब हमने लगानी है इसमें ग्रेवी। अगर आप लोगों को ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं है तो आप लोग इस स्टेज पर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जब ये गल जाए तो, अभी ये गली नहीं है कलेजी, तो हम इसको गलाने के लिए और थोड़ी सी ग्रेवी लगाने के लिए 1 कप पानी डाल देंगे। तो आप लोग ग्रेवी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना पानी चाहिए जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी ये आधा घंटा और पकेगी ताकि कलेजी हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 30 मिनट्स पकाऊँगी ताकि कलेजी हमारी बहुत अच्छे से गल जाए, बहुत मज़ेदार कलेजी बनेगी ये। तो चलिए वेट करते हैं 30 मिनट तक। चलिए आइए अपनी कलेजी देखते हैं। देखिए कलेजी हमारी कितने अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें दो हरी मिर्चें ली थी, उनको इस तरह मोटा मोटा काट लिया था। एक टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया है वो डाल देंगे। टीस्पून पिसा गरम मसाला डाल देंगे। हाफ टी स्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। देंगे सारी चीज़ों को और 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे ताकि कसूरी मेथी की और हरी मिर्चों की अच्छे से खुशबू हमारी कलेजी में आ जाए। चलिए आइए अपनी कलेजी देखते हैं। देखिए कितनी मज़ेदार सी कलेजी हमारी तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए आइए अब इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। मज़ेदार सी ग्रेवी वाली कलेजी हमारी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और यमी सी बनी है। ग्रेवी आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से रख लीजिएगा। कलेजी की दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आप लोगों को बाकी रेसिपीज़ की तरह पसंद आएगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि अगर आप लोगों ने रेसिपी ट्राई करी तो आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।